हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सके। चाहे आप एबीओ की तैयारी करें, चाहे आप AIB 18 एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आप जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को इसका जवाब पहले से ही पता होगा अगर आप हमारे साथ जुड़कर हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। साथ ही मैं उन सभी कैंडिडेट का जो हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो नए कैंडिडेट हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एल चंद्रा कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इज ए लैंडमार्क डिसीजन ऑन द इशू ऑफ, यानी कि किस मुद्दे पर ये जो हमारा जजमेंट है एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का आया था, किस मुद्दे पर यहाँ पर बात की गई थी, बहस की गई थी, आर्ग्यूमेंट की गई थी। तो ये डील करता है हमारा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज द पार्ट ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके संबंध में जो आर्टिकल्स थे, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, वो थे 323 कैपिटल ए और 324। इन दोनों सेक्शंस पर यहाँ पर बहस की गई थी। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन द सबरीमाला जजमेंट विच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नॉट फॉर द कोर्ट टू डिसाइड व्हाट इज द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एंड डिसेंट फ्रॉम द मेजोरिटी व्यू। किस पर्टिकुलर जस्टिस ने यह बात कही थी? तो ये कही गई थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा के द्वारा। हिंदी में इसे समझ लेते हैं, क्या अर्थ निकल रहा है, यह बात किस न्यायाधीश ने कही थी कि यह तय करना अदालत का काम नहीं है कि एक आवश्यक धार्मिक प्रथा क्या है, और बहुमत के दृष्टिकोण से असहमत थे। तो ये कौन थे? हमारे न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा जी। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए बेंच ऑफ हाउ मैनी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पास ए जजमेंट नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो हमारा डील करता है किससे, सेक्शन नंबर 377 ऑफ आईपीसी से, जो बात करता है अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में। अब ये जो जजमेंट दी थी, ये कितने जजेस के द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी हमारा 5 जजेस के द्वारा। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब है। साथ ही मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, जिस किसी भी प्रश्न में मेरे से कोई गलत ऑप्शन मैंने ठीक कर दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको करेक्ट कीजिएगा, ताकि बाकी के जो स्टूडेंट और कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वट विच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिव ए डिसेंटिंग ओपिनियन इन द भीमा कोरेगांव एसआईटी प्रोब केस। अब किन जस्टिस ने, किन न्यायाधीश ने यह यहां पर क्या कहा था, जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश ने असहमति पूर्वक राय यहां पर दी थी, अपना ओपिनियन जो दिया था उसकी बात की गई है, और असहमति पूर्ण राय यहां पर दी गई थी, ये आपको पता लगाना है। इसका सही जवाब कौन सा है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो हमारे करंट में कौन है, सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन जोसेफ सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन विच प्रोविजन एज बीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस पर्टिकुलर सेक्शन की, किस एक्ट की बात की गई है, जिसको असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया था इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो यहाँ पर जब हम इस केस की बात करते हैं, जोसेफ सिन्हा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर बात की गई थी सेक्शन नंबर 497 ऑफ आईपीसी की। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा इससे कनेक्टेड रीड विद सेक्शन आपने पढ़ा होगा,
तो इससे इसके साथ था हमारा 198 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी का। तो इस विषय पर यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जो है बहस चल रही थी, इसके संबंध में आर्गुमेंट की गई थी। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। स्वप्नल त्रिपाठी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट अलाउ लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मैटर। तो जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर थे, जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स थे, उनके संबंध में यहाँ पर बात की जा रही थी लाइव स्ट्रीमिंग की। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ड्राफ्टेड डाटा प्रोटेक्शन बिल वॉज ड्राफ्टेड बाई विच कमेटी। अब किस कमेटी के द्वारा इसे ड्राफ्ट किया गया था? तो श्री कृष्ण कमेटी के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि एलजी यहां पर एडवाइस देगा। एलजी बाउंड है एडवाइस देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इन एरियाज अदर देन दोज आर एग्जेम्प्टेड। तो यहां पर इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। और इसके संबंध में जो आर्टिकल्स थे जिस पर जिन मुद्दों पर बहस चल रही थी, वो थे हमारा आर्टिकल नंबर 239 एंड 239 कैपिटल ए। तो ये जो है अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट कर दिया गया था 29th अमेंडमेंट एक्ट 1991 का एक्ट था, तो इसके संबंध में। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन द हिदाय केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस ओवन चॉइस इज ए इंटीग्रल। अब किस पर्टिकुलर आर्टिकल की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि हिदाय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार अभिन्न है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल की यहाँ पर बात की जा रही है आर्टिकल 21 की। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल होल्डिंग दैट द पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट कैन बी रिलाय ऑन इन कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट। फर्स्ट ऑप्शन है they can use for the purpose of interpretation of the statutory provision. Second option है they are admissible under section 74 of the Indian Evidence Act. Third option है the report cannot be impugned or challenging in the court. तो कौन सा इसका सही जवाब है? Fourth option इसका बिल्कुल सही जवाब है इस particular question के संबंध में। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए हैज ए लेटर ऑफ क्रेडिट अपॉन बी फॉर ए रुपीज ऑफ 10,000 रिटन बाय जेड इन ऑर्डर टू डी फ्रॉड बी एड सिफर टू 10,000। सिफर का मतलब होता है जीरो टू 10,000 एंड मेक द सम ऑफ 1,00,000 इंटेंटेड दैट इट मे बी बिलीव बाय बी That Z so wrote the letter A has committed which type of offense, यानी कि उसने कौन सा अपराध कमिट किया है। हिंदी में भी इसको समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। A के पास B के लिए Z द्वारा लिखा गया 10,000 रुपये का एक क्रेडिट लेटर है। A B को धोखा देने के लिए 10,000 में सिफर जोड़ देता है, यानी कि एक जीरो जोड़ देता है, जिससे वो 10,000 का 1,00,000 हो जाता है और 1,00,000 का बन 1,00,000 रुपये वो हो जाता है। और इस इरादे से कि बी को विश्वास हो जाए कि जेड ने ऐसा लिखा है वो पत्र, उसमें वो फेरबदल कर देता है। तो ए ने किस प्रकार का अपराध यहाँ पर कमिट किया है? तो आपके अनुसार कौन सा यहाँ पर सही है आप हमें बताइएगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पर बता देता हूँ कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन जो है
किससे डील करती है, जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास की, तो इसके संबंध में हमारी कौन सी सेक्शन है क्रिमिनल ट्रेसपास के संबंध में, तो क्रिमिनल ट्रेसपास के संबंध में हमारी 441। जब हम बात करते हैं फोर्जरी की, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे किस सेक्शन से डील करता है। जब हम बात करते हैं मिसचीफ की, तो ये बात करता है 250, 225 से, और जब हम बात करते हैं चीटिंग की, तो ये किस सेक्शन से बात करता है 415 से। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको पता होनी चाहिए। और हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब है आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस व्हेन कमिटेड बाय ए पर्सन अनट्रस्ट विद द कस्टडी। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के संबंध में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ना है। वो सेक्शन आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ध्यान में रखनी है कि कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है, तो वो है हमारी 462 ऑफ आईपीसी। उसके अंदर 3 साल की समय सीमा यहाँ पर बताई गई है कि 3 साल तक की उसमें उसको जो है सजा मिलेगी अगर वो इस तरीके के ऑफेंस को कमिट करता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द प्रिसिप्ट इन द सीपीसी। प्रिसिप्ट पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो ये मेन्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, AAIB की कर रहे हैं, तो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में केवल पता होना चाहिए जो डील करता है हमारा सेक्शन नंबर 46। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 45 की, तो ये किस बारे में बात करता है, ये बात करता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आउटसाइड इंडिया। ये आपको पता ही चल गया, ये बात करता है हमारा प्रिसिप्ट के बारे में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 47 की, तो ये बात करता है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग डिग्री। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 49 की, तो ये बात करता है ट्रांसफरी के बारे में। तो ये आपको पर्टिकुलर सेक्शन के संबंध में पर्टिकुलर सेक्शन किस सब्जेक्ट से, किस पर्टिकुलर चीज से डील करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द शूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये कुछ इस तरीके के टॉपिक होते हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, सेक्शन बेस्ड होते हैं, जो है हमारा सेक्शन नंबर 79 इससे डील करता है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 80 की, तो ये नोटिस के बारे में बात करता है। जब हम बात करते हैं 81 की, तो ये बात करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस के बारे में ये बात करता है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 82 की, तो ये डिग्री के एग्जीक्यूशन की बात करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सेक्शन नंबर 79। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विद एक्सक्लूजन ऑफ डेट ऑन विच द कोर्ट इज क्लोज। अब ये कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है जो डील करता है, निम्नलिखित में से कौन सा उस तारीख से बाहर करने से संबंधित है जिस दिन अदालत बंद रहती है। तो कौन सा सेक्शन है हमारा, सबसे पहले तो आपको पता लगाना है ये किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ये हमारा CRPC का है, और इसके संबंध में हमारा सेक्शन नंबर 471 जो है इससे डील करता है। 471
यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको 3 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए। इसमें ये हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो मैं इसको ये कर देता हूँ और इसको हम 1 कर देते हैं, और इसका हमारा सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, 471 जो है इससे डील करता है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 468 के बारे में, तो ये किस बारे में बात करता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर आफ्टर लैप्स लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 470 की, तो ये एक्सक्लूजन की बात करता है सर्टेन केसेस में, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस। वहाँ पर पर्टिकुलर केसेस आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके पढ़ लेने हैं। ये आपको याद रखना है कि सीआरपीसी के जब हम लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं, तो वो सीआरपीसी के अंदर ही शामिल है, ये आपको ध्यान रखना हो। और ये सभी पर्टिकुलर सेक्शन जो कि किसके बारे में बात करती है, लिमिटेशन के बारे में बात करती है हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर। जब हम सीपीसी की बात करते हैं, तो उसके संबंध में हम लिमिटेशन एक्ट को पढ़ते हैं। यहाँ पर इसके संबंध में लिमिटेशन हमारा सीआरपीसी के अंदर ही मेंशन है। 473 जो बात करता है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस। वो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़कर पता कर लेना है कौन कौन से सर्टेन केसेस हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द पावर टू सेल परसीवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो नाशवान संपत्ति है जो कि जल्दी ही खराब हो जाएगी, इससे हमारा कौन सा सेक्शन डील करता है। तो इसके संबंध में हमारा सेक्शन नंबर 459, तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 465 के बारे में, तो ये बात करता है पावर टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 457 के बारे में, तो ये प्रोसीजर की बात करता है, किसके प्रोसीजर की, कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा पुलिस के द्वारा, प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन अपॉन सीजर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 458 की, तो ये बात करता है किसके बारे में, प्रोसीजर व्हेन नो क्लेम अपियर विद इन 6 मंथ के बारे में। यानी कि लिख देता हूं मैं यहाँ पर, प्रोसीजर व्हेन नो क्लेमेंट अपियर, जब क्लेमेंट अपियर ही नहीं होता विद इन 6 मंथ्स। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन नंबर 155 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद। अब ये पर्टिकुलर सेक्शन किससे डील करता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन बाय द पार्टी टू हिज ओवन विटनेसेस, सेकेंड ऑप्शन है क्वेश्चन टेंडर टू कोरोबरेट एविडेंस ऑफ रिलीवेंट फैक्ट एडमिसेबल, थर्ड ऑप्शन है इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मे बी प्रूव टू कोरोबरेट लेटर टेस्टिमनी एज द सेम एक्ट। हिंदी में समझ लेते हैं,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 155 से संबंधित कौन सा विषय है? पहला ऑप्शन कह रहा है पक्षकार द्वारा अपनी ही गवाही अपने ही गवाह से प्रश्न पूछना। सेकंड ऑप्शन है प्रासंगिक तथ्य के साक्ष्य की पुष्टि करने वाले प्रश्न स्वीकार्य होंगे, एडमिसेबल होंगे। थर्ड ऑप्शन है गवाह की साख पर महाअभियोग लगाना, या फिर फोर्थ ऑप्शन है गवाह के पूर्व बयानों को उसी कार्य के लिए बाद की गवाही की पुष्टि के लिए साबित किया जा सकता है। तो ये जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 155 की, तो ये बात करता है इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस के बारे में, यानी कि जो गवाही दे रहा है वो गवाही सही नहीं है, उसे एडमिसेबल नहीं माना जाए क्योंकि उस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आप सभी कैंडिडेट को इसके बारे में पता होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओवन विटनेस के बारे में, यानी कि पक्षकार के द्वारा अपने ही गवाह से प्रश्न जब पूछने की बात होती है, तो ये किस पर्टिकुलर सेक्शन से डील करता है? सेक्शन नंबर 154 से। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन टेंडर टू कॉर्बोरेट एविडेंस ऑफ रिलीवेंट फैक्ट इज एडमिसेबल, तो ये कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है? सेक्शन नंबर 156। और 155 हमारी है इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्या कह रहा है फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मे बी प्रूव टू कॉर्बोरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू द सेम एक्ट। तो ये किस पर्टिकुलर सेक्शन से डील करता है, किस पर्टिकुलर सेक्शन से, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है। कुछ एफर्ट आप भी हमारे साथ कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द एसेंशियल फॉर द इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 155 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जब हम बात करते हैं कि कोई भी गवाही दे रहा है तो उसकी गवाही पर भरोसा ना किया जाए यह कहते हुए कि उसने ये स्टेप किए हैं, इसलिए उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जाए, ये टोटली अनवर्थी है, यानी कि उसकी जो क्रेडिट उसने जो उसने गवाही दी है उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए जो गवाह है। तो कौन कौन से एसेंशियल है? पहला ऑप्शन है द विटनेस बिलीव हिम टू अनवर्थी ऑफ क्रेडिट, कि उसने जो गवाही दी है वो अनवर्थी है, अयोग्य है, यानी कि वह श्रेय के अयोग्य नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है बाय प्रूविंग दैट द विटनेस हैज बीन ब्राइब, उसने ब्राइब ली है। बाय प्रूविंग ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच इज लाइबल टू द कॉन्ट्राडिक्टरी। अब पहले उसने कोई और स्टेटमेंट दी थी, बाद की स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि उसने पुलिस को कोई और बयान दिए हैं, कोर्ट में आके वो कुछ और कह रहा है, तो आप ऑब्वियसली उस विटनेस पर जो है भरोसा नहीं किया जा सकता जो भी उसने गवाही दी है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसका जो सही जवाब है वो फोर्थ ऑप्शन है, पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्रोवाइड द मैंडेटरी इंजंक्शन। इंजंक्शन को तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इंजंक्शन के बारे में जो जो प्रोविजन है, चाहे हम बात करें सीपीसी की, चाहे हम बात करें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की, आपको पता होने चाहिए। तो इसका कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 39 जो मैंडेटरी इंजेक्शन की बात करता है, सेक्शन नंबर 39। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 38 की, तो ये बात करता है परपेचुअल इंजेक्शन व्हेन ग्रांटेड, इसके बारे में परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। सेक्शन 39 आपको पता चल गया जो बात करता है मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में। जब हम बात करते हैं सेक्शन 40 की, तो ये बात करता है इंजंक्शन के संबंध में डैमेजेस के बारे में, डैमेजेस इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 41 के बारे में, तो इंजंक्शन कब नहीं दी जाएगी, रिफ्यूजल की बात की जा रही है, उसके संबंध में आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स पढ़ने होंगे जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में लिखे हुए हैं,
उन सभी को आपको डिटेल में पढ़ लेना है कि कब रिफ्यूज की जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं, जो कि हमारा कहाँ से आया है, मोटर व्हीकल एक्ट से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइड दैट प्रोविजन रिलेटेड टू द रिन्यूअल ऑफ परमिट ड्राइविंग लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर द MV एक्ट। जब हम बात करते हैं टोटल एक्ट की तो 217 कैपिटल ए कितने एक्ट हैं वन से लेकर के, तो इसका सही जवाब भी हमारा लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 217A जो इसके बारे में बात करता है। 217 जो कि बात करता है रिपील एंड सेविंग क्लोज के बारे में, 216 जो बात करता है किसके बारे में, डिफिकल्टी को रिमूव करने के प्रोविजन यहाँ पर दिए हुए हैं, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। 215 की जब हम बात करते हैं तो ये कमिटी और रोड सेफ्टी कमिटी, रोड सेफ्टी काउंसिल की बात करते हैं जो सेंट्रल स्टेट वाइज अलग अलग होती है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द पीरियड प्रिस्क्राइब टू मेड ऑर्डर अंडर सेक्शन 216 रिमूव फ्रॉम डिफिकल्टी। अब जो भी ये 216 के अंदर ऑर्डर जो है दिया जाता है तो इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है, तो आपको अगर ये पर्टिकुलर सेक्शन आपने पढ़ा होगा तभी आपको इसका जवाब पता होगा, और इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, 3 साल की समय सीमा वहां पर निर्धारित की गई है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, एनी शूट फॉर विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज शॉर्टर देन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 में बी इंस्टीट्यूटेड विद इन ए पीरियड ऑफ व्हाट ईयर, यानी कितने साल का समय निर्धारित किया गया है आफ्टर ए कमिशनमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड विद इन ए पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर सच शूट बाय द इंडियन लिमिटेशन एक्ट। तो इसके लिए आपको लिमिटेशन एक्ट को पढ़ना होगा तभी आपको इसका जो है सही जवाब मिलेगा। सेक्शन नंबर 13 को आप पढ़िएगा ताकि आप इसका सही तरीके से जवाब ढूंढ पाए, और इसका सही जवाब है हमारा लास्ट ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन, जिसमें कि 7 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए।